चेक करिए, बहुत बड़ा जंगल है ये। रात के टाइम तो वैसे ही इधर बड़ा खतरनाक एरिया है ना। जंगल जंगल का एरिया है, बहुत खतरनाक एरिया है, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को एरिया, वो कैसा एरिया है। निकल रहे हैं जी गेट से, ये हमारी गंदम है माशाल्लाह से, चेक कर लें जी। ये बूढ़े वाली हैड का छोटा सा ब्रिज है, इसको क्रॉस करेंगे जी अभी। यही हैड सरदारपुर, यहाँ से कोई एक 1.5 किलोमीटर बनता है। चौकी नडोल पहुँच गया हूँ, चौकी नडोल पेट्रोल पंप से सीधा जा रहा हूँ जी कबीर वाला। कबीर वाला से आगे फिर देखो जी कहाँ जाता हूँ, ये आप लोगों को मैं फिर आगे बताता रहूँगा। फैक्ट्री तैयार हो रही है मखदूम वाला के करीब, बूटाकोट पहुँच गया हूँ। बूटाकोट से आगे कबीर वाला आएगा, ये पहुँच गया हूँ जी कबीर वाला, आगे इंशाल्लाह निकलेंगे, आप लोगों को दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। कबीर वाला से मैं सीधा जा रहा हूँ खानेवाल, कुछ दोस्त हैं वहाँ से, उनको रिसीव करना है। पहुँच गया हूँ अपने दोस्तों के पास, तो माशाल्लाह से नेस्ले फैक्ट्री के करीब है अभी। नेस्ले फैक्ट्री है और मेरे फार्म का जितना भी वॉल्यूम होता है, दूध होता है, यहीं पे आता है माशाल्लाह। अभी हम जी किधर जा रहे हैं रोहिल भाई? हाँ जी, अभी हम पीरोवाल जा रहे हैं। अभी हम पीरोवाल जा रहे हैं, ये लाहौर मोड़ है, लाहौर मोड़ से आगे हम जा रहे हैं जी पीरोवाल की तरफ। सफर है रोहिल भाई पीरोवाल का? 6 से 7 किलोमीटर का सफर है। लाहौर मोड़ से 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र बनता है पीरोवाल। हाँ जी, लाहौर की तरफ भी जाता है यही रास्ता माशाल्लाह। और ये फ्लाई ओवर है, छोटा सा फ्लाई ओवर है ये, आगे हम जा रहे हैं पीरोवाल। लोधरा, बावलपुर, साहिवाल, लाहौर, ये सीधा रास्ता जा रहा है जी आगे। खानेवाल से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे फ्लाई ओवर। ये फ्लाई ओवर किधर जा रहा है सीधा? ये लोधरा जा रहा है। हाँ, लोधरा, बावलपुर, साहिवाल, लाहौर, ठीक है जी। हाँ जी, खानेवाल टोल प्लाजा आ गया है, जंगल की तरफ जाएंगे, पीरोवाल जंगल। और सुना है कि बड़ा ख़तरनाक जंगल है ये। ये जंगल के इलाके में हम आ गए हैं पीरोवाल, और यहाँ पे काफ़ी जानवर हैं, परिंदे हैं। विजिट करना दिंदा ने? हाँ जी। अच्छा, टिकट वगैरह लेंदे नहीं या फिर वैसे ही? टिकट 20-30। अच्छा, देख ले जी, फैमिली आ सकती है? फैमिली भी आ सकती है। अच्छा, सेफ इलाका है ना? जी जी, वैसे इलाका सेफ है, सिक्योरिटी वगैरह इनकी सख्त है। और जंगल देख लें आप, सिर्फ और सिर्फ बारिशें ही आती हैं, पानी लगाती हैं इस जंगल को। अब रोड भी देख लें, ज़बरदस्त बन गया है, पहले तो काफ़ी टूटा हुआ था रोड। बहुत बड़ा जंगल है ये, कितने किलोमीटर है जंगल है? अच्छा, इतना बड़ा जंगल है? अच्छा, चीचावतनी उकाड़ा साइड तक ये जंगल चला जाता है। अच्छा, उकाड़ा चीचावतनी उस जंगल के साथ ये अटैच होता है। बहुत बड़ा जंगल है, रात के टाइम तो वैसे ही इधर बड़ा खतरनाक एरिया है ना। जंगल जो आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे जानवर, परिंदे, और उसके बाद शिकार भी करते होंगे कुछ लोग आके, और काफ़ी बड़ा जंगल है ये। और ब्लॉग के अंदर आज सारा जंगल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सारा जंगल लिया जाए तो फिर ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर किसी ने ये जंगल विज़िट करना हो, मतलब कि देखना हो, वो भी बंदा देख सकता है। तो टिकट भी इसकी 20-30 रुपये ही होती है, ज़्यादा नहीं है। और झूले वगैरह भी हैं इसका? झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है। और परिंदे भी हैं इसके अंदर, और जानवर भी हैं। देखिए जी, लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो गई है के अंदर। जितनी भी बड़ी बड़ी बेल बनी हुई है ना, तो ये चेक कर लें, और ज़बरदस्त साइलेज अभी चेक करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर दाना वगैरह भी चेक कर लें जी। पीरोवाल से हम निकल रहे हैं कच्ची पक्की वाली साइड, है ना जी? कच्ची पक्की वाली साइड पर हम निकल रहे हैं, तो गढ़ा मोड़ साइड पर, वहाँ पर मशीन चल रही है, फ्रेश साइलेज बन रहा है वहाँ पर, वहाँ से जा कर लेते हैं हम इंशाल्लाह। देखते हैं, अभी तो मिलना है। I don't know.
फिलहाल जंगल से वापसी जा रहा हूँ। हम लोधरा बाईपास की तरफ मुड़ रहे हैं, खानेवाल मुल्तान, उसके बाद लोधरा बहावलपुर। अभी हम इंशाल्लाह लोधरा बाईपास की तरफ जा रहे हैं। बड़े लंबे रूट पे निकले हैं आज, जानवरों का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए आए हुए हैं। तो अभी ये देख लें, लोधरा बाईपास है ये, इंशाल्लाह सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, देखें। ठीक है जी, ये दुनियापुर भी यहीं से जा सकते हैं, और सामने जहानिया खानेवाल गड़ा मोड़, हमने जाना है जी गड़ा मोड़ साइड पे। बहुत साइलेज मशीन खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ब्रेक है, ये ऊपर ऊपर है, थोड़ा सा मोटा। अच्छा, ये नीचे सारा ब्रेक है, देख ना मोटा बहुत, उसमें है ब्रेक के ऊपर थोड़े से ना कपड़े निकाल देते हैं। चलो जी इंशाल्लाह, रोयल भाई ठीक है, साइलेज फिर ओके करिए। दो ट्राले ने अभी, एक ट्राला और भी आ रहा है, वो भी लेते हैं जी इंशाल्लाह। 700 साइलेज की ट्राली तीसरी भी पहुंच गई है, खानेवाल के एरिया है ये। ये जी हॉस्पिटल नौरीन निशाद, ठीक है जी, चेक करें, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, खानेवाल सिटी के अंदर है। शाम कोट इंटरचेंज भी पहुंच रहे हैं। मैं तो आराम से बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, रोहिल साहब गाड़ी चला रहे हैं। सीन चेक करें जी, कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सामने डेयरी फार्म भी है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त शेड बनाया हुआ है, इसी फार्म के अंदर जाएंगे। चलो शेड बहुत अच्छा है, 100 जानवर के लिए 12 पंखे लगे, सही है फ्रेंड। जान देख लिया शेड, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। ये हमारी सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ये देखिए जी मोटरवे के नीचे से गुजर रहे हैं हम, कबीर वाला जा रहे हैं वापसी। तो फ्रेंड्स अभी निकल रहे हैं माशाल्लाह, टाइम काफ़ी हो गया, गया हूँ। और आप लोगों को मैंने पूरा अपना सिटी खानेवाल का एरिया और कबीरवाला का एरिया और जहानिया लोधरा, मतलब कि हर चीज़ मैंने आप लोगों को हर तरफ मैं गया हूँ, जिस 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 जगह पे मैं गया हूँ मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा तो इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही नए नए व्लॉग आप लोगों के सामने आते रहेंगे। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।